बाबू जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं सुषमा सुषमा के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, लेकिन आज ब्लॉग बनाने को दिल हुआ है, ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत मैं परेशान हूँ दोस्तों, बहुत परेशान हूँ, परेशानी जाने का नाम ही नहीं लेता है। जो जिसके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ, उसके बारे में कभी भी गलती होता है। तो दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी भी जिंदगी में खुश रहने को जब भी सोचती हूँ, तब भी कुछ तो कुछ हो जाता है, कुछ तो कुछ हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रही है, किस लिए परेशान है, तो किसके वजह से परेशान है। तो मैं किसी के वजह से परेशान नहीं हूँ दोस्तों, मैं अपने ज़िंदगी से परेशान हूँ। अपने ज़िंदगी से परेशान इसलिए हूँ कि दोस्तों, मेरा दो चंगू मंगू बेटे हैं, आप लोग को मालूम ही है। तो दोस्तों, जो मेरा बड़ा वाला बाबू है, बहुत परेशान रहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बीच में भी मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी, उसको लेकर परेशान थी, उसका तबीयत खराब था, तब से ब्लॉग ही नहीं डाल रही थी, कभी कभी एक बार डाल देती हूँ। तो दोस्तों, फिर से वो परेशान हो गया है, उसको इधर फोड़ा निकला है, और उस फोड़े को लेकर बहुत ही टेंशन हो रहा है मेरे को। ही सुबह से चक्कर आ रहा है सोच सोच कर, वो कैसे रह रहा है वो ही जानेगा। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग हमारे बाबू के लिए दुआ जरूर करिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ, आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, लेकिन हमारे बाबू के लिए दुआ जरूर आप लोग करिएगा, और हमारा बाबू अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं किसी से प्यार करी हूँ जिंदगी में, तो एक मेरा भैया थे, उनसे करी हूँ, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो मेरा बेटा ही है। और भगवान उसको कभी भी खुश नहीं रहने देते हैं, जब भी वो खुश रहने को मैं सोचती हूँ, अच्छा है अभी अच्छा हो गया बोलकर, जब भी मन में आता है तब वो बीमार पड़ जाता है। बहुत मैं परेशान रहती हूँ उसको लेकर, मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ उसको कुछ हो, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। उसका दुख हमें नहीं देखा जाता है, कैसे हो रहता है, कभी भी दुख उसे हो तो हमें ही कष्ट होता है, दुख उससे दुख तकलीफ उसको होता है, लेकिन दर्द हमें होता है दोस्तों, बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस दुआ कीजिए, मेरा बाबू जल्द से जल्द अच्छा हो जाए।